अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। इट्स वीक सिक्स एंड द पोएम इज लाइफ एंड इंग्लिश ग्रेड एट। इट्स रिटन बाय शार्लेट ब्रोंटे 1816 टू 1855। स्टूडेंट्स, एज शी वाज बॉर्न इन इंग्लैंड यॉर्कशायर एंड हर मदर वाज डाइड व्हेन शी वाज ओनली 5 ईयर्स ओल्ड। शी हैड 4 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर बट ऑल डाइड at early age and remained alone. So she faced a number of sorrows in her life, but she learned from her life, don't lose hope. So poem Life, it's full of metaphor. First of all, I will say what is metaphor. Metaphor is a literary device which we used in poetry. And what is this, students? When we associated an idea or concept with some other things due to its similarity in some way, तो we call it metaphor. मतलब कि जब हम किसी एक ख्याल को, एक नज़रिए को, एक किसी भी तशबीह को दूसरे ख्याल या दूसरी चीज़ के साथ जोड़ते हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ देख कर कि ये दोनों एक जैसी हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। और पोइट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही फाउट लाइन ली, यानी कि वो बड़ा बहादुरी से लड़ा। तो बहादुर हम किसको कहते हैं? द लाइन इज़ वेरी ब्रेव एनिमल। सो हम कहेंगे ही फाउट लाइन ली, कि शेरों की तरह लड़ा। ओके, हर आइज़ आर ट्विंकलिंग, उसकी आँखें जगमगा रही हैं। सो आइज़ एंड ट्विंकलिंग, ट्विंकल कौन करता है? स्टार्स। सो आइज़ ट्विंकलिंग, उसकी आँखें टिमटमा रही हैं। तो इट मीन्स के आइज़ और स्टार्स दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बट वी क्रिएट अ रिजेंबलेंस, लेकिन हमने उनके अंदर एक रिजेंबलेंस पैदा कर दी। सो व्हेन वी क्रिएट अ रिजेंबलेंस बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स ड्यू टू देयर सिमिलैरिटीज, इट इज़ कॉल्ड मेटाफर। नाउ कम टू द पोएम लाइफ। स्टूडेंट्स, लाइफ बिलीव इज नॉट ड्रीम सो डार्क एज सेजेस से, of little morning rain foretells a pleasant day. Sometime there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh why lament its fall? यानी कि इसमें शार्लेट ब्रोंटे ये कहना चाह रही हैं कि जो लाइफ है ये ज़्यादा देर स्टे करने वाली चीज़ नहीं है। इट्स लाइक अ ड्रीम, जैसे ड्रीम होता है। तो यहाँ पे लाइफ को उन्होंने ड्रीम के साथ मेटाफर किया है, ठीक है। और ड्रीम रियल भी हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है। इसी तरह लाइफ ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। और जब मॉर्निंग रेन आती है तो अचानक हमें वो खुशी का पैगाम दे जाती है। बट व्हेन वी सी क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, इट मींस देयर इज सैडनेस, डार्कनेस। सो दे आर अ सिंबल ऑफ सैडनेस। बट इफ़ वी सी हैप्पीनेस, देन व्हाई वी लैमेंट ऑन सैडनेस? वी शुड फेस बोथ थिंग्स इक्वली। रैपिडली मैरी लाइफ सनी आवर्स फ्लिट इट बाय, यानी कि ज़िंदगी में जो खुशी के लम्हात आते हैं वो जल्दी से चले जाते हैं। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही बात है, डैट हैप्पीनेस डजंट स्टे फॉर लॉन्ग। इन थर्ड स्टैंजा, व्हाट दो डेथ स्टेप्स इन एंड टेक अवे आर बेस्ट वे। यहाँ पे वो अपनी लाइफ से हमें बता रही है कि उसके बहन भाई सब चले गए दुनिया से, तो क्या हो गया अगर ज़िंदगी काम लेके आती है, लेकिन अगर ये काम लेके आती है तो ये क्या चीज़ लेके चली जाती है, कौन जीत जाता है? सोरो सीम्स टू विन, लगता है कि गम जो है वो जीत जाते हैं। वो कैसे जीत जाते हैं? दे टेक अवे आर डियर वंस, वो हमारे प्यारे हमारे साथ हमसे ले जाते हैं। बट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, यहाँ पे होप जो है उसको इलास्टिक के साथ मेटाफर किया गया है, कि जो उम्मीद है ना वो एक स्प्रिंग की तरह हम जितना भी खींचना चाहें खींच सकते हैं, कि हम उम्मीद का दामन मत छोड़ें। और ये एक हैप्पी बर्ड की तरह हमारी लाइफ में आ सकती है। तो वी शुड फेस एवरी थिंग, एवरी सोरो, एवरी डिफ़िकल्टी मेनफुली, फियरलेसली, विक्टोरियसली। तो हमें, अगर हम ब्रेव होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हमें डिसअपेयर नहीं कर सकती। सो ये शार्लेट ब्रोंटे ने हमें मैसेज दिया है कि लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस, वी शुड फेस बोथ थिंग्स इक्वली। स्टूडेंट्स, इट्स ऑल क्वेश्चन आंसर आर अवेलेबल ऑन योर ऐप, so please learn it and read this poem very carefully. It's very good poem, it has a message of life. So stay home, stay blessed. Allah Hafiz.